हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं हूं अपने काम पर। और आज हमने किया नया काम स्टार्ट, वो थोड़ा कल काम स्टार्ट किया था और उसमें मैं थोड़ी वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मैंने स्टार्ट किया है दोबारा, मतलब दिखाने मैं चाहता हूं आपको दिखाना जो हमने काम किया था कल इस ब्लॉग में। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने काम किया है। अभी थोड़ा मसाला बन रहा है, ये बना रहे हैं मसाला, और सारा सामान हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद में जो हमने कल काम किया था वो इतना हो चुका है। और बाकी ये पूरी छत है, 1100-1200 फीट के आसपास में जो एरिया है इसको लगाना है, और इसमें डैडो भी लगनी है, काफ़ी काम भी होना है। उसके बाद में फिर फिनिशिंग बचेगी, ग्रोटिंग भी होगा इसमें। तो ये देख सकते हैं, ये इतनी प्यारी टाइल लग रही है, इसमें थोड़ा पानी पड़ा हुआ है, और उसके बाद सूख जाएगी तो उसके बाद इसकी सफाई होने के बाद बहुत ही प्यारी लगेगी। तो और यहाँ पर देखें, पूरा काम अभी शुरू करा है, और बाकी ये कल कर चुके थे हम। इसके बाद में वहाँ से काम कंटिन्यू होना है, वो तो पूरा पोर्शन लगना है। और ये एक मसाला बना रहे हैं, तो हमने ये बना दिया, सब पानी वानी डाल के सब ओके कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन वो कोने में बचा है, उसको करेंगे, फिर उसके बाद काम कंटिन्यू करेंगे धागा वागा देख के। तो इसमें एक ये टायरें हैं, ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं, आप देख सकते हैं पूरा जो पूरे कैमरे में बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है। इस छत में यहाँ पर गड्ढा था, तो यहाँ पर मसाला ज़्यादा आ रहा है, वहाँ कम आ रहा है। और इसके बाद में देखते हैं, लेवल तो हमने निकाल दिया है, जो स्लॉप है वहाँ रखना है, और एक जगह इस जगह रखना है स्लॉप को, बाकी सारा हमारा काम ओके है। तो हम करते हैं काम कंटिन्यू, बाकी मसाला तैयार होगी हो ही गया है। अब हमारा जो काम है वो कंटिन्यू हो चुका है उसके बाद में। और सुबह जिस टाइम ये मसाला बन रहा था, उस टाइम जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा हो रहा था, धूप भी नहीं निकल रही थी, लेकिन अब धूप भी निकल चुकी है और हमारा काम इतना हो चुका है। और इस टाइम हो चुका है खाना खाने का टाइम, तो वो कर रहे हैं रेस्ट और हम लोग अब खाना खाएँगे। वो खाना नहीं लेकर आए, पता नहीं क्यों। तो अब हम अपना खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद में काम जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी इतना मसाला पड़ा है इसको लगवाने के बाद में, बाकी देखते हैं, थोड़ा सा मसाला अगर और आना होगा तो और ले आएंगे, और हमारा जो काम है उसको कंटिन्यू करते रहेंगे शाम तक, जब तक टाइम होगा जाने का घर। और जो हमारे टाइलें हैं वो खाली बहुत काफ़ी अच्छी लग रही हैं, तो अभी खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में काम कंटिन्यू करेंगे। और अभी छोटा भाई भी आने वाला है, वो आज गया नहीं है काम पर अपने। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। खाना खाने के बाद अपना काम इतना हो चुका है यहाँ से वहाँ तक का, और बाकी काम कल होना है। तो ये जैसे टाइलें ये बची हैं, ये 2-4 पीस बचे हैं, और बाकी एक लाइन उधर बची है, वो सबसे लास्ट में जाके उसको पूरा करने के बाद ये आधा लगभग आधा पोर्शन कवर हो जाएगा हमारा। और इसके बाद में ये बचा है काम, ये वाला, और इसके बाद में दूसरी साइड है, तो इसको पूरा करने के बाद में फिर इसमें डैडो लगेंगी, फिर देखते हैं। चलो अब जितना काम आज हुआ है इतना करके चलते हैं, अब घर का टाइम हो चुका है। चाचा डायलॉग मारो भाई। अरे नहीं, डायलॉग नहीं, काम बताओ। अरे मारो यार, अभी मारा के सुबह मारा। क्यों भाई, क्यों ये पोर्शन देख सकते हैं, टाइल कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम मैट की तरह हुई है, जो चटाई होती है नीचे की, जब फर्श वाली, उसी की तरह दिखाई दे रहा है। और टाइल ये काफी खूबसूरत है। तो दोस्तों ये हमारी जो टाइल है काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और बाकी काम कल होना है, और टाइम हो चुका है, इस टाइम 6:20 हो रहे हैं, और जा रहे हैं हम घर, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है। इसलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ये करते हैं हम कल को काम, अपना जो छूटा हुआ काम है उसको सुबह को करेंगे, और ये तभी सुबह ही डलना है उसको, दोबारा से कल को स्टार्ट करना है जैसे आज हुआ काम। और जब ये काम स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको नहीं दिखाया था, और इसलिए क्योंकि मैं उस टाइम ज़्यादा ही काम में था, मतलब काम ज़्यादा था, और उस टाइम चाल स्टार्ट करने में, मतलब जो इसको काम स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन अब दिखा रहा हूँ। ये टाइलें बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, और इसके पास से आप देख सकते हैं लाइन कितनी प्यारी लग रही है, सीधी जा रही हैं, हमने एक भी जो लाइन है नहीं काटी है, क्योंकि जो उसका डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाता।
तो इसी वजह से इसको कंटिन्यू करा गया है और इसमें 3 mm का ग्रुप दे रखा है जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत लगेंगी। एंड इसमें हमने तैयार कढ़ाई करी गई है जो देख सकते हैं थोड़ी इधर वाली शाइनिंग कर रही है। इसमें हमने पानी डाल रखा है, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी मतलब बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले डाला है, एक दो बाल्टी मतलब डाल दिया जिससे कि इसमें नमी दोबारा से बन जाए और धीरे धीरे सेट हो। धीरे धीरे सेट होने से बढ़िया मतलब जो हमारी टाइल की पकड़ है वो खाली अच्छी खासी रहती है। और तो बाकी काम हम करते हैं कल को और चलते हैं अब घर। घर जाने का टाइम हो चुका है और आई होप आपको बड़ी पसंद आ रही होगी, तो लाइक करो। ऐसी ही हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और चलते हैं अब सीधे घर। घर जाने के बाद जाके फ्रेश व्रेश होते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं फिर अब घर अपनी बाइक से और चलिए फिर। तो मैं आ चुका हूँ अब घर और घर आने के बाद मैंने फ्रेश हो चुका हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारे अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।